नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स एम पर। और मैं राज आर्यन आज आपके लिए लेकर के आया हूँ फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस का। इवन ये SHM का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों जो प्रीवियस वीडियो है डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर पसंद आया होगा। और पहला वीडियो थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर डिपेंड था और सेकेंड आपका था उसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल थे और कुछ और भी न्यूमेरिकल है ना, तो हम उनको भी आज और एक और नेक्स्ट वीडियो में उनको डील करेंगे। और कुछ अच्छे अच्छे भी न्यूमेरिकल के साथ में SHM के ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन होता क्या है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पहले SHM क्या होता है, फिर हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बात किया था। एक एक करके फिर से देखते हैं ताकि कुछ थोड़ा एक आइडिया मिले कि हम लोग साथ में मिल करके देखते हैं क्या है फोर्स्ड वाइब्रेशन। इवन इस पे क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से उतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको कुछ कुछ फॉर्मूले वगैरह याद रखने हैं। इवन देखना है क्या ऐसा कुछ होता है धरती पे, ठीक है। एक बार देख लेना है, रेजोनेंस का भी एक कंडीशन है याद रख लेना है। इसलिए हम पूरा का पूरा भी डेरिवेशन कर देंगे ताकि आपको फॉर्मूले याद रहने के लिए एक छोटा सा ना प्रैक्टिस भी हो जाए कि हम इस स्टेप से गए थे। एक तो पहला काम ये करो कि जो भी थ्योरी लिखाया जा रहा है उसको पूरा का पूरा लिखो कॉपी में। इससे एक जर्नी पता चलेगा, मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ तो वो फॉर्मूला भी याद रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जल्दी याद नहीं होता, मेमोराइज नहीं होता। इवन हमको भी नहीं हुआ था, किसी को भी नहीं होता। इसलिए कोशिश करो, समय है, घर में बैठे हुए हो, पकौड़े खा रहे हो, है ना, अब दिया जलाना पास करो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। एक स्प्रिंग है और उसको हमने एक मास एम से कनेक्ट कर दिया हुआ है, और इसका स्टिफनेस के दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। तो जब हमने इसको मीन पोजीशन के अबाउट इसको हमने ऑसिलेट करवाया था तो किसी ए एम्पलीट्यूड का ये SHM परफॉर्म कर रहा था, जिसका टाइम पीरियड भी हम लोगों ने कुछ निकाला था, 2π√m/k। और ये हमारा टाइम पीरियड फिक्स था, एम्पलीट्यूड इसमें फिक्स था कि हर बार इनफाइनाइट टाइम तक ये सिस्टम इनफाइनाइट टाइम तक इसी कंडीशन में ऑसिलेट करते रहेगा। लेकिन कंडीशन भी था यहाँ पर कि ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है जो कि के एक्स है, जो स्प्रिंग ने लगाया हुआ है। यानी कि सिस्टम को और कोई दूसरा फोर्स नहीं यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स या कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, है ना। ना तो फ्रिक्शन लग रहा है, ना विस्कस फोर्स लग रहा है, ना कोई भी अदर तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जिससे कि कहीं ना कहीं इसका एनर्जी लॉस हो रहा हो। ऐसा नहीं होता, एनर्जी हर समय से कॉन्स्टेंट रह जाता है, जो हम लोगों ने सीखा था। जब हम लोगों ने इसके पहले जो डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बात की उसमें क्या था कि इस सिस्टम को उठा करके हम सपोज करते हैं कि पानी डाल दिए, है ना, एक ऐसे सिस्टम में हम इसको इंटर करवा दिए जो कि विस्कस मीडियम है, ठीक है। एक ऐसा मीडियम है, विस्कस मीडियम है, और इसकी स्पीड बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है एक, है ना, विस्कस फोर्स लगेगा, जो ड्रैग फोर्स था, विस्कस फोर्स जिसका नाम था 6π η r × v वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस को ही हमने कहा था एक कॉन्स्टेंट है बी भी, जो कि एक निगेटिव, है ना, ये एक ड्रैग फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, एक नया एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया था यहाँ पर, जिसके कारण से इसका एम्पलीट्यूड घटना स्टार्ट हो गया था। और जो एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज कर रहा था किसी भी समय पर डिपेंड करने के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन भी देखा था, -dt/2m, है ना। इस तरह से हमारा एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था। इसके हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात किए थे, एनर्जी के बारे में बात किए थे कि एनर्जी खुद डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो फोर्स है ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव टाइप का है, तो एनर्जी तो खत्म कर देगा ये, ठीक है। तो एनर्जी जो हो जाएगा e0 e^-bt/m, सिर्फ m होता था यहाँ पर, 2m है यहाँ पर, m आ जाता है, एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है। और जो एनर्जी है वो और एम्पलीट्यूड दोनों दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था। टाइम पीरियड वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि इसके हिसाब से अगर हम इस कंडीशन को एनालाइज करें। और हमने एक चीज और देखा था कि जो पोजीशन होगा किसी भी जगह पर पार्टिकल का, ठीक है, जो ऑसिलेट कर रहा है ना, ये जो मास एम है, इसका वैल्यू हो जाएगा a0 e^-bt/2m, और यहाँ से हमने देखा था cos ω-t + में एक
फाई, फाई तो समझ में आता है इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कोई चीज कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन जो था कॉस का था, इसलिए हम लोग अगर हम मान लें कि फाई का वैल्यू जीरो अगर है तो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट ही करेगा चलना और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। और साफ दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज करता जा रहा है और जो ग्राफ परफॉर्म कर रहा है वो कॉस का कर रहा है ना, तो कॉस का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, दिखा रहा है कॉस का ग्राफ बन रहा है, बट जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर एक्सपोनेंशियली, इसलिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी कर रहा है लेकिन ग्राफ जो बन रहा है वो कॉस का ही बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ साइन होता तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इस पर हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यूमेरिकल वीडियो डील किए थे। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो सिस्टम हमारा ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये ऐसे 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 करते रहे इस विस्कस मीडियम में भी, यानी कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहीं है जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये तो एक आइडियल कंडीशन था, है ना, ये हमारा एक नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रियल लाइफ का एग्जांपल यही है कि विस्कस होता है या फिर हमारे चल रहा हवा होते हैं उसमें तो पार्टिकल अगर हम ऐसे करके मतलब एक सिंपल पेंडुलम को भी यहाँ पर रख दें तो पेंडुलम हमारा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पर, हवा का पार्टिकल है फोर्स लगा रहा है उसको, तो एनर्जी तो मैंने कहीं रिड्यूस करवा रहा होगा, तो डैम्पिंग तो होना है, लेकिन हम चाहते अब हैं कि नहीं हम इस चीज को ऐसा बनाए जो एनर्जी डिक्रीज किया था, हम चाहते हैं कि हर एक स्टेप में इसको एनर्जी मिल जाए और ये एक जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का जो हमारा बना था नॉर्मल ये वाला पिक्चर में उस तरह का एक पिक्चर हमको दिख जाए, दिमाग बैठ रहा है बात, इस तरह का जो है ना ये वाला हमको मिले, हमारे नेचर में ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम इसको ऐसा कर सके हर बार, तो एनर्जी ऐसा होता है, तो ऐसा करने के ही कंडीशन को बोलते हैं हम फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है, ऑसिलेशन वाइब्रेशन, हाँ फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑसिलेशन, ठीक है, एक ही है तो, अरे ठीक है भाई एक ही है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ पर हम चाहते हैं हमें कि बाहर से कहीं ना कहीं हम या तो एक एनर्जी सोर्स लगा दें या तो कुछ तो कर दें जिससे कि हम इस तरह का परफॉर्म करना स्टार्ट करें, पहले हम देखते हैं कैसा पॉसिबल है क्या, या फिर हम लोग करते हैं ऐसा क्या, या हम लोग बिल्कुल करते हैं, है ना, क्या करते हैं हम लोग, सपोज करते कोई झूला झूल रहा है ना, तो एक दोस्त होता है ना वो ऐसे करके बैठा हुआ है, तब उस दोस्त को हम लोग ऐसे खींचते हैं उसका, है ना, मारते हैं इसे उलट गया, नहीं उलटते ना, अरे ज्यादा जोर से नहीं मारते ना, एक ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो ऐसे आता है फिर यहाँ आता है फिर मारे, ठीक है, ऐसे होता है ना, ठीक है, एक सेकंड, मिल गया, ये देखो एक पार्टिकल ये यहाँ लाए फिर गया फिर यहाँ फिर यहाँ, है ना, ऐसे ये तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ऐसे, ठीक है, तो हम एक चीज देखो कि मेरा हाथ क्या कर रहा है कि इसको फोर्स दे रहा है, लेकिन फोर्स कब दे रहा है, जब ये पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है तब यहाँ से हम एक फोर्स लगा देते हैं, इम्पल्स है ना, यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट कर देते हैं, जैसे ये पार्टिकल अपने फिर से एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंचता है, फिर हवा से पार्टिकल टक्कर उक्कर करके आता है, एनर्जी लूज यूज करके आता है, फिर यहाँ पहुंचता है, फिर हम मार दिए उसको, जितना एनर्जी लूज किए थे उतना हम सारा एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड कर दिए, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो एक टाइम पीरियड है ना, इस फोर्स में टाइम पीरियड है, लगा फिर लगा फिर लगा, तो एक खास टाइम पीरियड के बाद ही फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स एक कॉन्स्टेंट फोर्स हम नहीं लगाएंगे इस सिंपल पेंडुलम वाले कंडीशन, या फिर जो झूला है जिस झूले के ऊपर बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं हम, वो फोर्स ये नहीं कि पकड़ करके हम झूला को ऐसे करके ऐसे 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 नहीं करवा रहे, है ना, नॉर्मल कंडीशन में साइड में हम खड़े हैं मार दिए फिर आया फिर मार दिए, यानी जो फोर्स है जब वो आ रहा है उसका टाइम पीरियड से मेरा टाइम पीरियड मैच करना चाहिए, ठीक है, नहीं करेगा हाँ करेगा वो एक अलग सिस्टम भी बनेगा, या फिर हम ज्यादा भी लगा सकते हैं, हम सारे कंडीशन से बात करें, नॉर्मली जो हम लोग झूला के बारे में बात करते हैं जिस झूले के ऊपर हम लोगों ने
बचपन गुजारा है उस झूले के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, तो बाहर से हम जब एनर्जी दे रहे हैं तो उस एनर्जी का वैल्यू उतना ही होता है जैसे कि फिर से वो वही जगह पहुंच जाए। नॉर्मली हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं ज़्यादा एनर्जी लगा दें तो पता चला कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था, फिर पता चला यहाँ पहुँच गया, इतना पहुँच गया उलट गया, कॉमेडी हो रहा है। चलो ठीक, अजय इतना भी लगा दिया गया ना, गया 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 फिर मार दिया, ऐसे नहीं दिए इतना, मतलब यहाँ तक पहुँच भी रहा था, मतलब सपोज करो यहाँ यहाँ स्टार्ट किए थे हम, यहाँ तक आया था, यहाँ तक कम आया था, यहाँ तक पहुँच रहा था, फिर हम इतना ही एनर्जी दी कि यहीं पहुँचा, फिर यहाँ लगे, तो हम एनर्जी भी उतना नहीं प्रोवाइड कर रहे जिससे कि उसको वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो बाहर से लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा होना चाहिए पहली बात तो पीरियोडिक, यानी कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया है वो फोर्स भी होना चाहिए पीरियोडिक। हाँ पीरियोडिक कैसा होगा, या तो वो कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव के रूप में डिपेंड करना चाहिए इस तरह से, या फिर साइन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, है ना। तो इस तरह का पीरियोडिक एक टाइम पीरियड के साथ में ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगे एक सिस्टम के ऊपर, यानी कि अब इस सिस्टम के पास टोटल मिला के तीन फोर्स हो गए। पहला फोर्स क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स, है ना, जो कि था हमारा माइनस में के एक्स। दूसरा क्या हो गया, विस्कस फोर्स, है ना, जो कि था एफ इक्वल टू माइनस में बी भी। और जो तीसरा आ गया है अब ये वाला आ गया है ना, जो कि एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है जिसके कारण से अभी हम फोर्स वाइब्रेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं, है ना, फिर चलते हैं इसको। तो अभी हम लोग देखे कि ये जो स्प्रिंग का कंडीशन जो था, स्टिफनेस है, हमने एक सिस्टम में जो लग रखा है इसको, है ना, यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है बी भी, है ना, और एक बाहर से भी हम एक अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, इसका के नाम दे रहे हैं हम एक्सटर्नल फोर्स है ये हम लगा रहे हैं एक पीरियोडिक फोर्स है। कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए। ठीक है, पहला बात तो ये होना चाहिए। दूसरा बात, इस पीरियोडिक फोर्स का पीरियड क्या होना चाहिए, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, डैम्प ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि इसके जो इसका जो डैम्पिंग का जो पीरियड है उससे मैच करना चाहिए इस फोर्स का वैल्यू। यानी कि अगर हम यहाँ से लिख दें कि एफ नॉट कॉस ओमेगा डी, जो हम याद है ओमेगा डी हम लोगों ने निकाला था डैम्पिंग वाला, ठीक है वही, ठीक है, तो ओमेगा डी आई इंटू टी हम ऐसा लगा देते हैं, एक ऐसा फोर्स लगा दिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने फोर्स हो गए, पहला क्या था, एक था स्प्रिंग फोर्स, पीछे अभी लिखाए थे स्प्रिंग फोर्स, फिर से लिख दे रहा है, स्प्रिंग फोर्स हो गया हमारा एफ स्प्रिंग, जिसका वैल्यू हो गया माइनस में के एक्स। दूसरा था हमारा विस्कस फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स भी कह रहे थे, जिसका वैल्यू हो गया माइनस में बी भी, है ना। और तीसरा हो गया हमारा जो पीरियोडिक फोर्स है, ठीक है, और हम इसको कर रहे हैं F बराबर F नॉट कॉस ओमेगा डी टी प्लस में फाइ हम नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम इसको मान रहे हैं कि इनिशियली हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अब बीच में यही झूला आ रहा है वहाँ हम यहीं से हाथ मार कर रहे हैं, ये भी तो नहीं होगा, इसलिए हम इसके पीरियड को इनिशियल कंडीशन जो फाइ है हम उसको जीरो रखें। ठीक है, ये ओमेगा डी लिखे, ओमेगा डी नहीं समझ रहे हैं, है ना, ओमेगा डी, ओके, चलो ठीक है। अब अगर हम देखें उस सिस्टम पे लगने वाला कितना फोर्स जिसके कारण एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो हम कह देंगे, हम जानते हैं कि भाई फ्रॉम एक होता है ना न्यूटन भगवान, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके हिसाब से हम लोग सीखे हैं एक चीज कि जो एफ नेट होता है किसी सिस्टम पे लगने वाला वो तो एम ए के बराबर हो जाता है। तो हम यहां से अगर हम लिखें एम ए बराबर हो जाएगा माइनस में के एक्स माइनस बी भी, और ये तो हम बाहर से इम्पोज कर रहे हैं, तो प्लस में कॉस ओमेगा डी इंटू टी हो जाएगा, एकदम आसान है, ये दोनों निगेटिव वाले इधर भेज लेते हैं, तो एम ए प्लस के एक्स प्लस बी भी इक्वल टू एफ नॉट
cos ओमेगा डी टी हो जाएगा, और एम को हम लिख सकते हैं, एम ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, पढ़े थे ना, और प्लस में के, यानी के वाले दे रखते हैं पहले इसको लिख देते हैं, तो बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस में के एक्स इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, ठीक है, इस तरह का एक रिजल्ट आ रहा है। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो एम से डिवाइड भी कर लेते हैं इसको, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस में बी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस में के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम कॉस ओमेगा डी टी, और ये हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गया ये? डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए? फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। कितना आसान, फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। हम इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं, मतलब कहीं कहीं मिल जाएगा किसी किसी लिटरेचर में, ठीक है, तो इसको लिखते हैं एक्स, मतलब एक्स का दो बार डिफरेंशिएट हुआ तो दो डॉट लगाते हैं, एक्स डबल डॉट, मतलब हम इसका यूज नहीं करेंगे, बस हम दिखा दे रहे हैं कैसा चीज होता है, इसलिए मतलब नया चीज नहीं सोच रहे, एक सिंगल डॉट मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, प्लस में के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम और कॉस ओमेगा डी इंटू टी। अगर बीएससी वगैरह का बुक देखोगे तो उसमें थोड़ा इस तरह की चीजें आ जाती है ना, या फिर एक्स टू लिखते हैं लोग, है ना, एक्स टू एक्स वन और एक्स ऐसे लिखते हैं, लिखने के अपने अपने तरीके हो जाते हैं, बदल जाते हैं, बीटेक में जाओगे सीख ही जाओगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोगों ने देख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ आ रहा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ तक कॉपी करो पहले, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा कि यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस में था पी अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस में के एक्स इक्वल टू एफ नॉट अपॉन सॉरी के अपॉन एम कॉस ओमेगा डी टी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ यहाँ से याद है ऐसा कुछ माने थे, लेट इसको बी अपॉन एम को क्या माने थे, टू आर, याद है, टू आर इक्वल टू बी अपॉन एम, और क्या माने थे k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर माने थे, जो कि एक इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो कि अगर कहीं से कोई ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं है, फोर्स्ड वगैरह नहीं है, तब एक उस समय का ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर k बाय m, ठीक है। और हम एक यहाँ पर नया चीज आ रहा है एफ नॉट अपॉन m, हम इसको हम स्मॉल एफ नॉट मान रहे हैं, जरूरत नहीं है माने मानने नहीं मानने को, मतलब है नहीं, हम मान रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ हम बस एक सिंप्लीफाई करने के लिए मान ले रहे हैं, पिछले बारे माने थे, बाद में हम लोगों ने देखा भी था कि उसको हम बाद में रिप्लेस ही कर लिए थे, ताकि जो अभी हम सॉल्व करें उसमें कुछ आसान आसान चीजें आ जाए फटाफट, ठीक है। चलो देखते हैं इसका क्या आ रहा है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस में बी अपॉन एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं टू आर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नॉट cos omega d t। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना है हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा डी टी प्लस में फाइव। हम मान ले रहे हैं कि इसका ये मौत कहना मतलब कहां से है, ठीक है, मतलब ऐसा हमने ये सॉल्यूशन है, हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन है, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे डिफरेंशिएट वगैरह करके, इसको सेटिस्फाई करेगा, और उसको सेटिस्फाई जब करेगा ये हमें मिला है, मतलब साइंटिस्ट लोग इतने सारे जो लगे उन्होंने ये सारा चीज हमको सॉल्यूशन करके दे दिया है कि भाई इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, फिर दो बार सबको पुट करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, है ना, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो x डबल डॉट मतलब समझ में आ चुका है, अच्छा नहीं करते छोड़, डी एक्स अपॉन डी टी, अब ठीक है a हो जाएगा और ओमेगा डी यहां से आ जाएगा, अब इस सब में तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, cos ओमेगा डी टी प्लस में फाइव हो जाएगा, और अगर हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे
ए ओमेगा डी का होल स्क्वायर, यहाँ से साइन ओमेगा डी टी प्लस में फाइव हो जाएगा और कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस आता है तो वो माइनस आ चुका है यहाँ से, है ना। अब हम इन सबको यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या तबाही मचता है। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन वन, ठीक है चलो पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके जगह पे ए लिखेंगे ना, तो यहाँ से जगह ए माइनस में ओमेगा स्क्वायर डी, ठीक है ओमेगा स्क्वायर डी, और यहाँ से क्या साइन ओमेगा डी टी प्लस में फाइव प्लस में टू आर, और डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा डी कॉस ओमेगा डी टी प्लस में फाइव, अब प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के जगह पे यानी कि एक्स के जगह पे ए साइन ओमेगा डी टी प्लस में फाइव इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी दिख रहा है। एक काम करते हैं हम इसको एक बार प्लस फाइव और एक माइनस फाइव कर ले रहे हैं ताकि कुछ ऐसा ऐसा रिलेशन में हम इस पार और उस पार में मैच करवा पाए, है ना, ताकि हम कुछ रिलेशन को डील कर सकते हैं। थोड़ा देखो यहां से कुछ मैच कर रहा है क्या, ठीक है एक चीज देखना, ठीक है ये साइन ओमेगा डी ये दिख रहा है और यहां से भी साइन दिख रहा है ना, ये दोनों कम से कम हमको मैच कर ही रहा है इसमें। अगर ये मैच कर रहा है तो निकाल सकते इसको कॉमन, तो देखो क्या क्या आ रहा है, ए ओमेगा स्क्वायर ए भी बाहर आ रहा है ना जी, सॉरी ए भी बाहर आ रहा है, तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा टी का होल स्क्वायर और ए भी बाहर आ गया, ठीक है, और बचा साइन ओमेगा डी टी प्लस में, देखो साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव हम बाहर निकाल दिए तो बचा गया ए ओमेगा स्क्वायर डी माइनस में था इसलिए इधर रख दिए, और यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर इधर था तो ए ओमेगा स्क्वायर आ गया, सिंपल है। फिर जो है ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, टू आर ए ओमेगा डी कॉस ओमेगा डी टी, देखना गड़बड़ उड़बड़ ना हो जाए, बता भी नहीं सकते तुम लोग गड़बड़ उड़ रहे हैं, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखो कॉस ए माइनस बी दिख रहा है तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है तो हम इसका यूज कर ले रहे हैं यहाँ पर से एफ नॉट। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं इन सारे डेरिवेशन का, लेकिन लिखना है कॉपी में, एक जर्नी है ये, देखोगे तो याद भी रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों के लिए तो भाई बहुत जरूरी है, नीट वालों के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूले आ रहे हैं उन लोगों को, ठीक है, और रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा दिमाग में रखना है इस बात को, ठीक है ना। तो कॉस ओमेगा डी टी प्लस में फाइव इंटू कॉस फाइव माइनस के जगह पे यहाँ प्लस हो जाएगा और साइन ओमेगा टी, अच्छा थोड़ा सा इधर से गड़बड़ हो गया क्योंकि हमको एफ नॉट भी अंदर भेज लेते हैं, एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस में फाइव इंटू साइन फाइव। अब देखो ध्यान से कि साइन ओमेगा डी टी प्लस में फाइव और साइन ओमेगा डी टी प्लस में फाइव, ठीक है ये वाला इक्वेशन, ठीक है ठीक है। और एक और ये देखो कॉस ओमेगा डी टी प्लस में फाइव और कॉस ओमेगा डी टी प्लस में फाइव और बीच में प्लस भी है, बीच में प्लस भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर समझा था ना, हाँ इतना तो भाई तुम लोग को पता होगा कंपेयर मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा और ये सॉरी, तो यहां से हम लोग देख रहे थे कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो ए ओमेगा स्क्वायर ये जो सब टर्म दिख रहा है साइन वाला, इसका मतलब ये हो गया कि ए ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट साइन फाइव आ रहा है और यहां से क्या आ रहा है कि टू आर इंटू ए ओमेगा डी, टू आर ए ओमेगा डी इज गेटिंग एस एफ नॉट कॉस फाइव, यहां से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या क्या दिखेगा, तो ए से ए खत्म हो गया यहां से
उसी हम इधर ही पर डिवाइड कर लेते हैं, टेन फाई इज गेटिंग एज ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा डी का होल स्क्वायर अपॉन टू आर ओमेगा डी का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा डी का होल स्क्वायर अपॉन टू आर के जगह पे बी अपॉन एम लिख देंगे तो बी ओमेगा डी अपॉन एम हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर अपॉन बी इंटू ओमेगा डी, दिस इज योर इनिशियल फेज। ओके ठीक है, यहाँ तक पहले कॉपी करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इसको भी और सॉल्व करना है, बस एक बार और खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ये क्वेश्चन नंबर वन था, ये क्वेश्चन नंबर टू था, और हमने इसको डिवाइड करके इनिशियल फेज निकाल लेते। एक काम करते हैं, इसको दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, यहाँ से हमको एफ नॉट, ये तो साइन स्क्वायर फाइव और कॉस का स्क्वायर फाइव वन हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, है ना, बोथ साइड। तो ये अगर हम कर सकते हैं, यहाँ से एफ का स्क्वायर सीधा एफ नॉट का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा माइनस में ओमेगा सॉरी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में टू आर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम यहां से साफ साफ दिख रहा होगा ए स्क्वायर दिख रहा है ना, यहां से एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं इस बार, तो एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट का होल स्क्वायर अपॉन दिस प्लस दिस, है ना, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर प्लस में टू आर का होल स्क्वायर ओमेगा डी का होल स्क्वायर। थोड़ा और बेटर तरीके से लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड का वैल्यू का होल स्क्वायर, है ना, एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा एफ नॉट का वैल्यू क्या था, याद है एफ नॉट का वैल्यू ये था कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम, याद है, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में एफ नॉट देखा था, कॉपी में चेक कर लेना अभी। ठीक है, तो हम उसके जगह पे लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एम, अगर हम रूट स्क्वायर इधर रूट चढ़ा भी दिए, इधर क्या बचेगा, यहां पर यही जो है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर प्लस में टू आर के जगह पे याद है डी अपॉन एम हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इनटू ओमेगा डी का होल स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड जो आ जाएगा यहां से वो हो जाएगा हमारे पास एम को अगर हम अंदर भेजेंगे स्क्वायर आ जाएगा यहां से, तो यहां से हो जाएगा एफ नॉट अपॉन रूट ओवर एम स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर, है ना, पूरे का होल स्क्वायर कर देगा, तो एम स्क्वायर यहाँ भी आ गया, तो एम स्क्वायर से एम मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ओमेगा डी को सिर्फ बचेगा, प्लस में बचेगा बी स्क्वायर ओमेगा डी का होल स्क्वायर, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड आ रहा है, इतना एम्पलीट्यूड आ रहा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इतना आ गया। अब अगर हम इससे आगे बात करें कि एम्पलीट्यूड क्या दे रहा है, ये सब चीज कचरा क्या कर रहे हैं, है ना, इसके कंडीशन से बात करेंगे धीरे धीरे करके, हम इसे दो कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, है ना। तो पहला कंडीशन हम लिखते हैं केस नंबर वन, है ना, अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा चीज को पैसे से दिखा दे रहा है। अगर हम पहला बात, तो हम ये बात जानते हैं कि डैम्पिंग जो हो रहा है उसका वैल्यू, ये पहली बात ये जान लेना है कि स्मॉल है, कार नहीं चल रहा है ना, कार हवा में नहीं चल रहा, फोर्स जो है पार्टिकल प्रेशर लगाने लगेगा, यहाँ पार्टिकल का बहुत स्पीड कम है, इस कारण से यहाँ पर जो जो इफेक्ट आ रहा है उसके कारण से डैम्पिंग आ रहा है, तो ड्रैग फोर्स इसलिए लगेगा यहाँ पर, ये जो ना कार चल रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी बहुत छोटा है, इसलिए डैम्पिंग जो कॉन्स्टेंट है ये भी हमारा बहुत छोटा है। ठीक है, अब ये पहली बात, तो ये हमारा एक नॉर्मल सा कंडीशन ये है, ठीक है, तभी हम इस सब चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लार्ज के लिए बात नहीं कर रहे। तो अब इसे दो कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि जो ओमेगा डी है ये हमारा बहुत ही छोटा है, पहला कंडीशन, अगर ये बहुत ही छोटा है तो ओमेगा डी का होल स्क्वायर अप्रोच करेगा जीरो को, और ओमेगा माइनस ओमेगा डी का जो होल स्क्वायर है ये हमारा बहुत ही लार्ज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये छोटा है तो दिस, ये तो बहुत बड़ा है,
तो ये बड़ा अगर है तो बड़ा का स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा लार्ज हो जाएगा, तो ये पहला कंडीशन बनेगा। और दूसरा कंडीशन बनेगा, अच्छा चलो यही पर हम सीख लेते हैं, अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये ओमेगा डी अगर हमारा छोटा हो जाएगा तो सीधा सीधी बात है कि एम्पलीट्यूड कितना रहेगा इसका, एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका एफ नॉट अपॉन, है ना, ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, है ना। तो एम ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू, ठीक है। इतना एम्पलीट्यूड का हमको अब वहां पर ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा एक पार्टिकल, ठीक है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब केस नंबर टू पर भी बात कर लेते हैं फटाक से यहीं पर, कि पहला बात तो ये तय हो गया कि बी हमारा स्मॉल है, तो ओमेगा डी जो है अगर ओमेगा के बराबर हो जाए, ये हमारा सबसे जो डिजायरेबल कंडीशन है जिस पर बात कर रहे हैं, यही हमारा कंडीशन है जिसको हम कहेंगे रेजोनेंस, यही रेजोनेंस का कंडीशन है, रेजोनेंस का कंडीशन है यहाँ पर। ये अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो देख लो ये ओमेगा ये तो खत्म हो जाएगा ना, इसका मतलब यही है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर ये तो जीरो हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ये अगर जीरो हो जाएगा तो एफ नॉट सिर्फ ये बचेगा, एफ नॉट अपॉन ये ना बचेगा बी ओमेगा डी, और ये जो है ये हमारा बहुत ही लार्ज हो जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका बहुत ही लार्ज हो जाएगा। अगर हम बोलें कि जो डैम्पिंग का जो ये जो डैम्पिंग का जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस हो जाएगा, और उस समय हमारा एम्पलीट्यूड बहुत ही लार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है हमारा डिनोटर का एक हिस्सा खत्म हो चुका है, तो जो नीचे का हिस्सा है बहुत छोटा है, इवन हम बी को भी ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि वो छोटा है, तो जब नीचे का चीज बहुत छोटा हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड तो जो ये ए है ये हमारा बढ़ते चला जाएगा, तो ये जो कंडीशन बनेगा हमारा रेजोनेंस बनेगा, ओके ठीक है। तो पहले यहां कॉपी करो फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि एम्पलीट्यूड है ना। अब हम बस दो दो तीन चीज और है जिसको समझाना है वो खत्म हो जाएगा, एम्पलीट्यूड आ चुका है। तो अगर हम एक दो कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं कि पहला कंडीशन समझ में आ चुका है, एक कंडीशन यही बना कि अगर हमारा ये जो है ओमेगा डी हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, बी तो ऑलरेडी छोटा है, इस कंडीशन पे हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना बना था वो ये बना था, है ना। पहला कंडीशन नंबर वन पे क्या बना था कि अगर हमारा बी छोटा है ना, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का जो होल स्क्वायर होगा ये लार्ज हो जाएगा, और ओमेगा डी का स्क्वायर जो ये हमारा स्मॉल है ये अप्रोच कर गया जीरो को, जो एम्पलीट्यूड बना वो हमारा बना एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर, ये हमारा एम्पलीट्यूड बन गया, ठीक है। ये पहला कंडीशन था, और सेकेंड कंडीशन में क्या था रेजोनेंस कंडीशन, ये था हमारा रेजोनेंस। इसमें क्या था कि बी तो हमारा भाई स्मॉल है ही, लेकिन ओमेगा जो है ये ओमेगा डी के बराबर हो गया, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना आ गया था इसमें, एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा डी के बराबर। अब अगर हम इस पूरे कहानी को समझें तो इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि अगर हम ओमेगा और ओमेगा डी का वैल्यू, देखो ओमेगा और ओमेगा डी का वैल्यू बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन ओमेगा डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, और जब ये हो जाएगा जब ये होगा तभी हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने किसी एक पार्टिकुलर जगह पे बात किया जो कि ओमेगा डी है और ये ओमेगा क्या है, ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्या बोलेंगे इस कंडीशन में डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो रहा है, और इस कंडीशन पे हमारा जो है एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, इससे करते ठीक है। और ये हमारा किसी एक एक्स नॉट पे बात कर रहे थे, किसी एक जगह पे बात कर रहे थे, एक्स नॉट मतलब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका किसी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, किसी एक पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर हमको अगर ओमेगा और ओमेगा डी का वैल्यू, है ना, या फिर ऐसे लिखते हैं ओमेगा अपॉन ओमेगा डी का वैल्यू यहाँ पर बना जाएगा
बुक वगैरह में से निकाल, मतलब बेसिकली बराबर है तभी नहीं ऐसा आ रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इस समय हमारा एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा आता है, कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर हम ये बोले इस कंडीशन में भी, एक और कंडीशन बन सकता है, अगर हमारा बी बहुत ही छोटा हो जाए, यानी कि डैम्पिंग फैक्टर हो ही नहीं, तो हमारा एम्पलीट्यूड इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अब लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम तीन कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं। एक पिक्चर हम बनाते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, एक पिक्चर ये हो गया वन, एक और हम बनाते हैं ऐसे और एक और हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है, टू और ये थ्री। तो ये जो नॉट पॉसिबल है इसमें हम बोलेंगे नो डैम्पिंग। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं से डैम्पिंग हो ही नहीं किसी भी तरीके से? हाँ, हम बोलेंगे ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे जैसे डैम्पिंग का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो उस कंडीशन पे हम इसको कह सकते हैं कि ये लो डैम्पिंग कंडीशन हुआ, ठीक है, और ये एक मॉडरेट कह सकते हैं, और ये उसका हो गया हाई डैम्पिंग, ठीक है। जबकि हमारा बी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गया, उस समय हम फोर्स्ड ऑसिलेशन लगा रहे हैं, एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा हो रहा है। मतलब समझ लो कि अगर हम मान लें कि पानी में एक पार्टिकल, एक पानी में एक चीज को हम ऐसे ऐसे करवा रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा चलेगा ऐसे ऐसे, लेकिन वहीं पर एक हनी में अगर हम बात कर रहे हैं या बालू में एक हाथ को हम चाहते हैं ऐसे ऐसे करें, तो क्या पॉसिबल है हम बालू में ऐसे ऐसे करना? आसान ही नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा विस्कोसिटी आ जाएगा। अगर ये बी बहुत ही बढ़ते चला जाएगा तो एम्पलीट्यूड घटते चला जाएगा, और उस कंडीशन पे हम एक अलग अलग सा पिक्चर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ गया रेजोनेंस, फोर्स्ड वाइब्रेशन, एक एक चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब एक और कंडीशन सीखते हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक में है, उसको सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर सवाल आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले यहां तक कॉपी कर लो पहले अच्छे से। तो एक सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं, एक रबड़ है यहाँ से, ये रबड़ बांधा हुआ है, ठीक है, ये भी एक रबड़ बांधा हुआ है, और हमने क्या किया कि चार पेंडुलम बॉब को लटका दिया है ना, चार या पांच देख लेते हैं जो भी, चलो चार ही लटका, ठीक है। चार के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा पेंडुलम बॉब ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। हम यहां पर एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि B और D का जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। और तो हमने क्या किया, B वाले को थोड़ा सा ऐसे करके है ना खींच करके ऐसे छोड़ दिया, ऐसे ये यानी कि ऐसे ऐसे नहीं छोड़े, ऐसे हमें इसको बस एक एम्पलीट्यूड दे करके या फिर ऐसे करके फोर्स दे करके इसको हम एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे करके छोड़ दिया। तो बता दो इसका जो भी अगर मान लेते लेंथ एल है और इसका लेंथ एल है, तो इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा, 2π रूट ओवर एल अपॉन जी, तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, 1/2π रूट ओवर जी अपॉन एल, ठीक है यहां तक। तो एक छोटा सा एक तो नॉर्मल दिमाग में लगा ही सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए होगा, एल जितना ज्यादा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए छोटा हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉलर हो जाएगा बी और डी से, बी कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ डी से, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सी वाले का, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए, बात समझना है पूरा पहले कंडीशन। हम लोग अगर नॉर्मली देखेंगे भाई, तो भाई इसका लेंथ तो ज्यादा है, इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी तो हम ये हम ऑब्जर्व करेंगे, ये समझना गलती, ये गलत है बाबा, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, ठीक है। लेकिन हम क्या किए यहाँ पर, हमने इसको एनर्जी दिया, हमने जैसे खींचा और छोड़ दिया, फिर रबड़ क्या करेगा, आगे पास करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा कि सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एनर्जी यहां से मिला हुआ है इसको, तो एक छोटा सा बात तो तय है कि डी और बी का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, पहली बात तो तय हो गया है ना। तो ना ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो होगा आएगा, ऑब्जर्वेशन क्या क्या आएगा, पहला ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि फ्रीक्वेंसी, क्या लिख रहे हैं,
फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ डी आएगा ड्यू टू सेम लेंथ, ड्यू टू सेम लेंथ, ठीक है। और ये इस ये कैसे बनेगा कि पहले तो भाई डी को हमने ऑसिलेट करवाई, ऐसा तो कुछ नहीं करेगा ना, तो एनर्जी जैसे से पास होगा, तो ये सब ये इसका और डी ए और सी के ऊपर बात करेंगे बाद में, पहले हम बी के ऊपर बात करते हैं। तो बी वाले का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके बढ़ना चाह रहेगा और ये इसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमने ये क्या करेगा इसको फोर्स दे रहा है ना, एक तरह से ना एनर्जी सप्लाई कर रहा है इसको, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन करवाएगा साथ में इसके साथ में, लेकिन तब तक करवाएगा जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर जाए, और फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो डैम्प वाइब्रेशन जो करवाएगा दोनों मैच करेगा, और फोर्स्ड वाइब्रेशन वाला का दोनों को मैच करेगा, करना ही चाहिए। इस दोनों कंडीशन में यहाँ पर ये रेजोनेंस कंडीशन के कारण इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा और दोनों ही एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चलने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन क्या होगा थोड़ा देर के बाद, इस दोनों के बारे में सारा कहानी तो इस दोनों के बीच में, ठीक है, ड्यू टू, ठीक है, रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से होगा। लेकिन हम कह देंगे यहां पर ए और सी जो हम थोड़ा देर के बाद देखे, ए और सी भी दोनों का, ये भी दोनों का जो है इस दोनों का फ्रीक्वेंसी दोनों का मैच कर जाएगा इन दोनों से। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स इस दोनों को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और दोनों अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से नहीं चल करके, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी अलग होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, जाते ही से इसको वाइब्रेट करना चाहिए, इसको धीरे धीरे वाइब्रेट करना चाहिए, लेकिन ये सब का सब एक ही फ्रीक्वेंसी चलेगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी जो फोर्स्ड वाइब्रेशन तो ये जनरेट करेगा उस कारण से ये और ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी चलने लगेगा बी और डी के तरह। नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं। बी और डी तो भाई सेम लेंथ का है, इसे दोनों के फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, लेकिन इस सब का कनेक्शन इसी रबर बैंड से है, तो ये जितना एनर्जी इसको सप्लाई करेगा, इसको सप्लाई करेगा, इसको सप्लाई करेगा, सबको सप्लाई कर ही रहा है सेम, तो उस कारण से सबका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा और इस दोनों का होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन और इसका होगा नेचुरल वाइब्रेशन, ठीक है, समझ आया बात। ए और सी परफॉर्म फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमसे ये पूछा जाएगा इस कंडीशन में कि एम्पलीट्यूड किसका सबसे ज्यादा होगा, तो सीधी सीधी बात है कि जो रेजोनेंस करेगा उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ बी मैचेस विथ डी होना चाहिए क्या, और वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, बी और डी का फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा और इसकी एम्पलीट्यूड भी मैच करेगी, ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही था हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंस, डैम्प्ड वाइब्रेशन और कुछ है, एक दो सवाल और था एनसीईआरटी के कहानी में, सवाल नहीं था कॉन्सेप्ट था, न्यूमेरिकल तो है ही, अगला टॉपिक अगला वीडियो में बना देंगे सारे न्यूमेरिकल, और भी कुछ कुछ है न्यूमेरिकल, SHM वगैरह से भी अच्छे अच्छे कुछ, उसको भी डील कर लेंगे। एक सवाल ये आता है कि अर्थक्वेक वगैरह जो आता है हमारे जिंदगी में नहीं जमीन में, ठीक है, तो जब अर्थक्वेक आता है जमीन पे तो उसके कारण से हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग वगैरह जो बनते हैं क्या सारे बिल्डिंग एक साथ गिर जाते हैं या फिर हर एक बिल्डिंग अलग अलग तरीके से गिरता है, मतलब कहीं कंडीशन क्या होता है कि कोई बिल्डिंग गिरता है कोई बिल्डिंग नहीं गिरता है, ये भी एक सवाल है कि इसके हिसाब से कि कंस्ट्रक्शन, तो भाई कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है वो डिपेंड करता है किस तरह का सरिया वगैरह बोलते हैं भूकंप रोधी मकान वगैरह बना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि जो अर्थ का जो फ्रीक्वेंसी है, और अगर बिल्डिंग ऐसे खड़ा है तो इसके लेंथ भी है, हाइट भी है, एरिया भी है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अर्थ के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो ये मैक्सिमम ऑसिलेशन के साथ में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा और जैसे बिल्डिंग गिर सकता है, ठीक है, इसीलिए लेंथ का और एरिया का के हिसाब से पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग होती है, जिससे ये पता किया जाता है कि कितना अधिक फ्रीक्वेंसी तक ये बिल्डिंग सस्टेन कर सकता है कि भूकंप नहीं बोलते भूकंप रोधी बिल्डिंग, तो
इंजीनियरिंग है वो कैसे काम करता है, कि कितना हाइट तक जाना है, कितना ब्रॉडर एरिया होना चाहिए, किस लेंथ का सरिया वगैरह चारों तरफ से बोलते हैं ना मुडेर बनाने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो यही सब है कि अगर अर्थ के फ्रीक्वेंसी से बिल्डिंग की हाइट की फ्रीक्वेंसी लेंथ वगैरह मैच कर गया, वहाँ पर लेंथ नहीं होगा क्योंकि वहाँ याद है ना वो कंपाउंड पेंडुलम की तरह बात करेंगे वो उसको, ठीक है। पर बॉडी है भाई वो, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सेंटर ऑफ मास वगैरह का पूरा कैलकुलेशन होगा और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे मेरे जूनियर्स कब होने लगेगा और उस कंडीशन पे हम लोग देखेंगे कि समझ में आ गया मेरे बाबा, यही है हमारा, ठीक है। तो बैठो और घर में बैठो और क्या बोले, मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी घंटा वंटा जो भी है लगा दो, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।